व्यूअर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समर्स बुटीक में। आज हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। अपर पार्ट के लिए कपड़ा हमने निकाल लिया है। कपड़े की लेंथ लेंगे 30 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए, यानी 14 इंच। अब शोल्डर की नाप है 7 इंच। आर्म होल के लिए भी हम लेंगे 7 इंच। दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। चेस्ट की नाप है 10 इंच और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। कमर की नाप है 9 इंच। कमर की नाप है 9 इंच। आपकी जो नाप होगी आप उसके हिसाब से लेंगे और 2 इंच इसमें मार्जिन ऐड करेंगे और दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ लेकर गोलाई का शेप देंगे और अंदर के शोल्डर के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ से मार्क करेंगे। यहाँ पर कमर की अच्छी फिटिंग के लिए 1 इंच ऊपर मार्क करके गोलाई का शेप देंगे और इस कपड़े को नेक के लिए 2.5 पे मार्क करेंगे। आप जितनी चौड़ाई रखना चाहते हैं उतने पे मार्क कर सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं। गले के आगे की गहराई 3.5 इंच लेंगे। और एक बॉक्स बना लेंगे। गले के पीछे की गहराई 3 इंच लेंगे। आप ये चेंज कर सकते हैं, जितना आप नेक पहनते हैं उतना नाप ले सकते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क करके शोल्डर को मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग करके कपड़े को निकाल लेंगे। पहले पीछे के पार्ट से कटिंग करना शुरू करेंगे। देते हुए कट कर लेंगे। अब एक कपड़ा निकालकर अंदर वाला आगे का भी शेप दे देंगे। इसको पहले कट कर लेंगे। अंदर का कपड़ा निकालकर फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। पहले गले की कटिंग करेंगे। अब शोल्डर की कटिंग करेंगे।
ये हमारे अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हम नीचे के घेर की कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने आर्म होल 7 इंच लिया था, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, मतलब 9 इंच। यहां से 3 इंच लेंगे और स्लीव का शेप देंगे। यहां से बीच में इसका पूरा साइज लेते हुए आधे पे मार्क करेंगे, यानी 4.5 इंच। और आगे की स्लीव का शेप देंगे। पहले पीछे की स्लीव कट कर लेंगे। स्लीव इस तरीके से ओपन करते हुए आगे की स्लीव का शेप देंगे। कुर्ती में ज्यादा फिटिंग ना देनी हो तो गहराई यहाँ पे थोड़ी कम रखेंगे। तो स्लीव की कटिंग हो गई है, अब हम घेर की कटिंग करेंगे। ये हमने घेर का कपड़ा लिया है, इसको ऐसे गोलाई में करके फोल्ड करेंगे। बिल्कुल बराबर से बिछाना है। ये कपड़ा मैंने बराबर से बिल्कुल बिछा लिया है। इसके ऊपर अपर पार्ट को इस तरीके से रख के सिर्फ 1 इंच के मार्जिन पे इसको सेट करेंगे। और हमारे घेर की लंबाई है 36 इंच और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे 37। तो यानी यहाँ से हम 37 पे मार्क करेंगे। अब हम घेर का निशान लगाएंगे। घेर की लंबाई है 37 इंच मार्जिन को लेकर, यहाँ पे 37 पे मार्क करेंगे। टेप को ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाते हुए गोलाई में शेप देंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा कम है, इतने में हम जोड़ लगाएंगे। और यहां से जहां हमने अपर पार्ट सेट किया है इसको भी अलग कर देंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो गाउन में हमारा कपड़ा साइड में कम पड़ गया था उसके लिए हमने जोड़ लगाने के लिए कपड़े की कटिंग कर ली है इस तरीके। देखिए जो साइड से हमारा कपड़ा यहाँ पे कम पड़ रहा था उसके लिए हमने जोड़ लगाने के लिए बिल्कुल गोल शेप में टेप रखते हुए कपड़ा कट कर लिया है। और इस तरीके से ये कपड़ा यहाँ पे बाद में जोड़ा जाएगा। तो हमारे गाउन की कटिंग हो चुकी है तीनों पार्ट्स की। ये अपर पार्ट की है और नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। एक बात और, इसकी जो सिलाई का लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो में डाल दूंगी, आप देखना चाहें तो इसमें जाके ही देख सकते हैं। थैंक यू।